अखिलेश निकलेंगे तो और ज्यादा जनता निकलेगी। और ये देखिए माहौल अब बनना शुरू हो गया है, अब माहौल बनना शुरू हो गया है, और वो इसलिए हो रहा है कि इतना भ्रष्टाचार, इतना उत्पीड़न, इतना उत्पीड़न तो कभी नहीं हुआ है। विपक्ष को भी हम लोगों में, हम भी सरकार में रहे हैं, विपक्ष को हमेशा हमने माना है, विपक्ष को भी संतुष्ट किया है, लेकिन ये तो विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहती है समाज। आप लोगों ने तो देखा है कई बार जब जनता इसी तरीके से, अगर जनता का उत्पीड़न होगा, अब इस समय देख रहे होंगे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, मेरे समझ में सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने भ्रष्टाचार में तोड़ दिए है। बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, खुलेआम रिश्वत, तो इतना भ्रष्टाचार तो मैंने कभी देखा भी नहीं। अच्छा अखिलेश जी, अब नेता जी की तरह जो है वो जिलों में जाने लगे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करने लगे हैं, किसका फायदा कार्यकर्ताओं को किस तरह से मिलेगा, पार्टी को किस तरह से मिलेगा? देखिए आपने तो देखे ही लिया, कल हम तो पहली बार निकले हैं मैत्री चुनाव के बाद, पहली बार निकले। जब अखिलेश निकलेंगे तो और ज्यादा जनता निकलेगी। और ये देखिए माहौल अब बनना शुरू हो गया है, अब माहौल बनना शुरू हो गया है, और वो इसलिए हो रहा है कि इतना भ्रष्टाचार, इतना उत्पीड़न, इतना उत्पीड़न तो कभी नहीं हुआ है। विपक्ष को भी हम लोगों में, हम भी सरकार में रहे हैं, विपक्ष को हमेशा हमने माना है, विपक्ष को भी संतुष्ट किया है, लेकिन ये तो विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। समाज जेल भेजा जा रहा है, तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार चल रही है, ये कोई लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या ये सरकार करने जा रही है। इस तरीके की लोकतंत्र में अगर परंपराएं बढ़ेंगी तो बिल्कुल लोकतंत्र के फिर तो खतरे ही है लोकतंत्र को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके का लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए था। अभी आपने मैनपुरी का चुनाव देखा, रामपुर का चुनाव देखा, अगर लोकतंत्र में इस तरह की परंपराएं पड़ेंगी जिसकी सरकार होगी पुलिस के बल पर, सरकार के बल पर, अगर इस तरीके का उत्पीड़न होगा, वोट नहीं डालने देंगे, तो फिर लोकतंत्र बचेगा।